इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड शेल। तो ये एक शेल है और इसके सरफेस के ऊपर चार्ज है, हॉलो शेल है, कंडक्टिंग शेल है, तो एक कंडक्टर है। हमने क्या करना है, हमने इसके स्मॉल आर डिस्टेंस दूर वी निकालना है। हमें ये मालूम है कि स्मॉल आर डिस्टेंस दूर ई हमने गॉस थ्योरम में किया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर का स्क्वायर। ई क्लियर है? अगर ई क्लियर है और आपको इस जगह पे वी निकालना है, तो हमने लास्ट टाइम प्रॉब्लम की थी, ई इज माइनस डी वी बाई डी आर क्रॉस मल्टीप्लाई, ई की वैल्यू पुट कर दी और इंटीग्रेशन कर देते हैं। पोटेंशियल की डेफिनेशन में चार्ज को कहाँ से लेके आते हैं, इन्फिनिटी से। कहाँ पे रखते हैं, आर पे, तो इन्फिनिटी से आर। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल की लिमिट क्या है, जीरो, क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। और आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल मुझे निकालना है जो कि कितना है, वी। इसे इंटीग्रेट करते हैं, वी ये कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, आर की पावर माइनस टू की इंटीग्रेशन आर की पावर माइनस वन बाई माइनस वन, माइनस माइनस प्लस हो गया, आर की पावर माइनस वन इज वन बाई आर। एक बार आर की जगह अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, माइनस करके आंसर। और अच्छी बात यह है, फॉर्मूला देखा लगता है, बढ़िया फॉर्मूला आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। क्लियर? प्रूफ नहीं करना, सिर्फ दिखाने के लिए, कोई एनसीईआरटी में प्रूफ आएगा नहीं, कॉम्पिटिशन में फॉर्मूला आएगा। तो इसके अंदर पहले सुन लो, लिखना क्या बताता हूँ। तो इसमें स्मॉल आर डिस्टेंस दूर वी आ गया, सरफेस के ऊपर वी निकालना है, तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, तो सरफेस पे वी आ गया। अगर शेल के अंदर वी निकालना है, और भी इंपॉर्टेंट है, किसी भी शेल के अंदर ई क्या होता है, जीरो, ई इज माइनस डी वी बाई डी आर से ई जीरो, तो वी इज अ कॉन्स्टेंट। तो शेल के अंदर जो मर्जी पॉइंट ले लो, वी की वैल्यू सेम रहती है हर पॉइंट पर, और कितनी, जितनी सरफेस के ऊपर है, यानी कि जो शेल है उसकी सरफेस और उसके अंदर के पॉइंट सब इक्विपोटेंशियल होते हैं, जहां पर वी कॉन्स्टेंट है। और कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर, मतलब जितना पोटेंशियल सरफेस पे है उतना ही अंदर हर पॉइंट पे है। इसको अब आप नोट करें, फॉर्मूलास को पहले देख लें फिर नोट करना। सबसे पहले ये शेल है, शेल के ऊपर चार्ज क्यू है, स्मॉल आर डिस्टेंस दूर वी का ये फॉर्मूला क्लियर है, क्यू बाय स्मॉल आर। शेल के सरफेस के ऊपर स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, क्लियर है। शेल के किसी भी पॉइंट के अंदर वी कॉन्स्टेंट है, कितना, जितना सरफेस पे, सेम आंसर, अंदर भी वही है, तो अंदर स्मॉल आर डिस्टेंस मैटर नहीं कर रहा, कैपिटल आर मैटर कर रहा है, क्योंकि शेल के सरफेस के ऊपर जितना पोटेंशियल है अंदर सेम रहता है, कोई डाउट इसमें? फिर कई बार ऑब्जेक्टिव ऐसे आते हैं कि सरफेस पे चार्ज सिग्मा वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चार्ज की जगह क्या पुट करेंगे, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि आपका चार्ज सिग्मा वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस चार्ज को यहाँ पुट कर देते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये भी फॉर्मूला है वी का, तो स्मॉल आर डिस्टेंस दूर वी का ये फॉर्मूला। उसी तरीके से यहाँ पे चार्ज की जगह सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर से ये फॉर्मूला, सरफेस के ऊपर ये भी फॉर्मूला है, और अंदर तो फॉर्मूला, सरफेस और अंदर का फॉर्मूला विल रिमेन सेम, ये पॉइंट है। और अगर मैं ग्राफ प्लॉट कर दूं इसका, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ग्राफ के अंदर वी वर्सेस आर का ग्राफ है, अगर आप सरफेस के अंदर हैं, सरफेस तक वी हमेशा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट, तो देख रहे हो वी कॉन्स्टेंट है, कितना, जितना सरफेस पे है, क्यू बाई कैपिटल आर। जब आप बाहर निकलते हैं तो वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, तो ये ग्राफ बनेगा, ऑब्जेक्टिव में मार्क करने को आएगा वी का ग्राफ, ये मार्क करना है। तो अब आप फॉर्मूला बुकलेट को ओपन करें, अपनी फॉर्मूला बुक में ये 6 फॉर्मूला नोट करें, और जो भी ग्राफ दिखाया आपके बुकलेट में बना हुआ है वो भी साथ के साथ नोट करें, ये फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर करें इसे।